नमस्कार सभी को। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ रहे हैं और उसके बाद अगर आपने श्री काल भैरव महाराज के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। तो उसी क्रम में पहले हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और उसके बाद हम निकल चुके थे श्री काल भैरव महाराज के दर्शन करने के लिए। इसके बाद हम गए विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह का जन्म स्थान यहीं से पृथ्वी के गर्भ से हुआ था, तो ये मंदिर बहुत फेमस है। इवन अगर आपको कोई मंगल दोष वगैरह तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। इसके बाद हम गए संदीपनी आश्रम, जो कि श्री कृष्ण भगवान का आश्रम था जहाँ पे उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। अपने आप में एक अनोखी जगह है और अगर आप उज्जैन आ रहे हो दर्शन करने तो इसको भी अपने ट्रैवल प्लान में शामिल ज़रूर करें।